क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। इफ़ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो कह रहा है फाइंड ए इनवर्स। पहले तो हमें ए इनवर्स निकालना है एंड यूज़ इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और फिर उस ए इनवर्स का यूज करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो पहले ए इनवर्स से पहले तो हम यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1-2, 0, या फिर 2-1-1 एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहाँ आ गया 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ आ गया माइनस का 1 एंड ये प्लस का 2 आ गया। प्लस का 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2-0 प्लस 0, यहाँ आ गया माइनस का 3 प्लस का 4 यानी कि 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तभी ए इनवर्स को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोफैक्टर्स को निकालेंगे। ए 1-1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ आ गया माइनस का 1 माइनस और ये हो गया प्लस का 2 यानी माइनस का 2 हो गया। माइनस 1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव होगा तो ये आ गया माइनस का 3। ए 1-2 है -1 की पावर 1 प्लस 2, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2-0। अब -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव होगा, दैट इज ऑफ -2। ए 1-3 -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4 -0 तो ये प्लस का रहेगा तो ये आ गया -4। ए 2-1 हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 -0 -1 की पावर ऑड नंबर यानी ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये -2 प्लस 2 बन गया। ए 2-2 -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1-0 यानी ये 1 आ गया। ए 2-3 हम निकालेंगे तो 2-3 हमारे पास आएगा -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 -0 तो यहाँ पे -2 और यहाँ से माइनस आएगा तो +2। ए 3-1 हम निकालेंगे -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2-3-1 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2-0 ये आपका 2 आ गया है। -1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1-0 ये नेगेटिव आएगा तो ये -+ हो जाएंगे। ए 3-3 -1 की पावर 3 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 -1 ये -4 यहाँ के +4 बन गया, दैट इज 3। नाउ हम निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, यानी -3 -2 -4 2-1-2 एंड यहाँ पे आया 2-1-3। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ गया -3 -2 -4 2-1-2 2-1-3। यहाँ पे ए इनवर्स हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 एडजॉइंट ऑफ ए यानी -3 2 2
-2, 1, 1, -4, 2, 3, ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको लिखा जा सकता है, अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की, एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है सभी वेरिएबल्स का, एंड बी है जो यहां पर कॉलम मैट्रिक्स फॉर द कंपोनेंट्स रिटन इन द राइट साइड। अब यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के अंदर हमें यहां से पुट करने से, क्योंकि ये a सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो हो तो सॉल्यूशन हमें यहां पुट करने से मिलता है, यानी हमें a इनवर्स की जरूरत होगी, और a इनवर्स उसने हमसे पहले ही निकलवा लिया, तभी तो वो कह रहा था कि इस a इनवर्स को उसमें यूज करना है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इज -3, 2, 2, -2, 1, 1, -4, 2, 3, b इज 10, 8, 7 यहां पे आ गया, -30, +16, 14, -20, +8, +7, -40, +16, +21। तो यहां तो आ गया x है आपका x, y, z इज इक्वल टू यहां पे है, दिस इज 30 -30 इज 0, दिस इज 15 -20 इज -5, एंड ये हो गया हमारे पास दिस इज 37, तो माइनस का 3। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं तो वो कब इक्वल होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। हम बोलेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, यानी कि जो ये x है वो होगा 0, जो y है वो होगा -5, और जो z है वो होगा -3। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। आप समझें कि पहले हमने इस a के लिए a इनवर्स निकाला, और उस a इनवर्स का यूज़ हमने यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके कर लिया, और हमें फिर इजीली इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया है।